एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा हमने पहले के चैप्टर में हम पढ़ चुके थे देर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एंड कल्चरल या मैन मेड एनवायरमेंट और वॉट इज इको सिस्टम इको सिस्टम जो है हमारा वो चाहे हम टाइनी पॉइंट से लेकर के देखें चाहे फॉरेस्ट तक देखें ये पूरा जो है हर एक चीज़ इको सिस्टम के अंदर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है है ना इको सिस्टम का मतलब है हर छोटा सा जो हमारा क्रीचर होता है जो लिविंग थिंग है वो सब किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है है ना छोटा क्रीचर बड़े बड़ा क्रीचर छोटे को खाता जाता है और इस तरह से जो एक दूसरे पर जैसे इसका अभी हम आगे के आज के इस वीडियो में जो ये फूड चेन चलती है इकोसिस्टम के अंदर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे ओके okay, तो ये जो एग्ज़ाम्पल ऑफ इकोसिस्टम है इसको आप अपने आप रीड कर लेना क्योंकि इसके अंदर दो बच्चों के एग्ज़ाम्पल दिए हैं एक तो है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीनी एरिया के अंदर रह रहे हैं आ, आसाम के अंदर है और बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा घना फॉरेस्ट है और दूसरा जो बच्चा है वो रह रहा है लद्दाख के एरिया के अंदर जहां पर की बहुत कम रेनफॉल होती है और वहां का जो सराउंडिंग एरिया है वो भी बहुत ज्यादा ग्रीनरी नहीं है तो ये दो मतलब कि जो इकोसिस्टम है वो वैरी करता है प्लेस टू प्लेस ओके okay. और इसी तरह नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ लार्ज इज एन इको सिस्टम हमारा जो इको सिस्टम है वो बहुत थाउजेंड हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला हुआ है और बहुत बड़े एरिया के अंदर ये फैला हुआ है तो इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम ले रहे हैं आ... इंटरेक्शन विद इन द बायोटिक एनवायरमेंट है ना बायोटिक एनवायरमेंट क्या है हमने इससे पहले पढ़ा भी था कि जो हमारा पूरा इको एनवायरमेंट है वो दो तरह का होता है एक तो नेचुरल है दूसरा मैन मेड है और जो नेचुरल है वो ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल तो फिजिकल को हम क्या बोलते हैं अबायोटिक और बायोलॉजिकल को बोलते हैं बायोटिक इसको बहुत अच्छी तरह लर्न कर ले इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज़रूरी है बन सकता है और जो अबायोटिक है उसके अंदर क्या क्या आते हैं लैंड है वाटर है एयर है वो सब अबायोटिक के पार्ट हैं और बायोटिक के अंदर आते हैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स तो देखिए बच्चों द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स है ना दो पार्ट हैं इसके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर विद इन द बायोस्फीयर प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स दे आर कैपेबल टू प्रोवाइडिंग देयर ओन फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरमेंट दे आर टर्मड एज ऑटोट्रॉप्स है ना कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड खुद डायरेक्टली एनवायरनमेंट से वो ले लेते हैं वो उसके लाइक कैपेबल होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं ना द मेन so, इसको अंडरलाइन कर लीजिए द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विद इन बायोस्फेर इज द सन ग्रीन प्लांट यूटिलाइज दिस एनर्जी डायरेक्टली टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोथिनथेसिस जो भी ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बना लेते हैं सनलाइट की प्रेजेंस uh, में द कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरमेंट अब जो ये कंज्यूमर्स होते हैं जो अभी हमने क्या पढ़ा है कि बायोटिक के अंदर दो होते हैं प्रोड्यूसर्स और Okay. <laughs> कंज्यूमर्स तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं एनवायरनमेंट से जिनको हम मोट्रोट्रॉप बोलते हैं और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट दे डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सप्लाई ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फूड दे आर टर्मड एज हेट्रोट्रॉप तो उनको क्या बोलते हैं हेट्रोट्रॉप बोलते हैं दे इंक्लूड द अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं हेट्रोट्रॉप्स के अंदर द हर्बी आते हैं हर्बी क्या होते हैं जो प्लांट ईटर होते हैं जब फॉर एग्जाम्पल है काओ गॉड्स डियर नेक्स्ट सेकेंड आते हैं कार्निवोरस कार्निवोरस में आते हैं मीट ईटर्स जो कि लॉइन है टाइगर्स है लेपर्स है ओमनीवोरस ओमनिवरस के अंदर आते हैं कॉमन आते हैं दोनों कंज्यूम बहुत प्लांट्स एंड एनिमल्स बियर बेबून्स बेजर्स है ना ये सब किस में आते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट uh, भी खाते हैं द डिकम्पोजर्स और फिर फोर्थ पार्ट होता है डिकम्पोजर का जो कि डिकम्पोज करते हैं हमारे यहाँ का जो भी वेस्टेज होती है ना जैसे इसको इनको हम बोलते हैं स्केवेंज ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इनको स्केवेंजर्स भी बोलते हैं वल्चर्स हेन्स माइक्रोब्स ये सब क्या करते हैं <coughs> जो ये डेड एनिमल्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं Decompose कर देते नेक्स्ट हमारा इफ एनी इकोसिस्टम स्पेसिस ईट एंड एंड आर ईटन बाय अदर स्पाइसिस है ना इकोसिस्टम में हर स्पाइसिस जो होता है ना स्पीशियस जो होते हैं वो दूसरे स्पीशियस के ऊपर डिपेंड होते हैं उसको खा जाते हैं छोटे वाले बड़े वाले छोटे वाले को खा जाते हैं द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर इन फॉर्म ऑफ फूड कंज्यूम द ट्रांसफर एनर्जी इज टर्म्ड एज द फूड चेन उस फूड चेन को अभी हम डिस्कस करते हैं द सेकेंड पॉइंट है डायनेमिक एनवायरमेंट द एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली सीजनल एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंजेस आफ्टर द एनवायरमेंट फिजिकल चेंजेस ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ लाइक ड्रिफ्टिंग ऑफ कंटेंट्स स्लो और सडन चेंजेस इन द लैंड फॉर्म्स चेंज द एनवायरमेंट ऑल दीज फैक्टर्स हैव कॉज एक्सटेंशन ऑफ सम स्पाइसिज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अदर हैंड न्यू स्पाइसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव एडोप्टेड टू द चेंज एंड लग कुछ तो क्या होते हैं कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और

भी बोलते हैं है ना इस सेट टू बी डायनेमिक इन नेचर डायनेमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हीं के कारण हमारा जो इन्वायरमेंट है वो लगातार चेंज होता जा रहा है ना उसके अंदर भी चेंज ये नहीं ऐसा कब ऐसा कब ऐसा ही रहता जैसे आज से हजारों साल पहले था अगर ये चेंज नहीं होता अगर फिजिकल इसमें चेंजेस नहीं होते बायोलॉजिकल चेंजेस चेंज, कंपोनेंट्स चको चेंज नहीं करते तो एज इट इज़ रहता है ना ह्यूमन बींग्स ऑल्सो आफ्टर द एनवायरमेंट दे एडवर्सली अफेक्टेड टू सेटिस्फाई देयर वॉन्ट्स ये देखो ये हमारी फूड चेन है और इस फूड चेन के अंदर आप ये देखेंगे कि ये सारा किस तरह से एक दूसरे पर सारे डिपेंड हो रहे हैं है ना ये इसको देखो ये रहा। ये सन एनर्जी है सन एनर्जी ये प्रोड्यूसर्स है ना सन एनर्जी से क्या होता है जो प्लांट्स होते हैं ना वो प्रोड्यूसर्स हैं तो सन एनर्जी से अपना फूड बना लेते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल सॉइल से ये ले लेते हैं अब ये क्या होता है प्राइमरी कंज्यूमर इस प्लांट को कंज्यूमर्स खाते हैं जैसे रेबिड है रेबिड क्या इसका प्राइमरी कंज्यूमर है तो ईट ग्रास और ईट रेबिट ग्रास को खाता है रेबिड को कौन खाता है फॉक्स खाता है है ना ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया फिर इसको क्या कहते हैं इस फॉक्स को कौन खाता है टाइगर खाता है ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया फिर ये जो टाइगर है ये क्या करता है ये जब मर जाता है तो ये माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके द्वारा ये इसकी जो डेड बॉडी है उसको डिकम्पोज ये हो जाती है है ना Soil इसको डिकम्पोज कर देती है और इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना सॉइल के अंदर वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और ये डिकम्पोज जो है ये एंटर uh, uh, कर देती है एज अ न्यूट्रिएंट्स इनटू द न्यूट्रं टू इन द वाटर, ओके okay? फिर वापस से ये जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं उससे वापस न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है न्यू प्लांट्स होते हैं और ये प्लांट्स क्या करते हैं वापस से सन एनर्जी लेकर के अपनी ग्रोथ करते हैं और अपना फूड बनाते हैं इस तरह से ये जो सर्किल है फूड चेन है वो लगातार चलती रहती है ओके okay? ना अगर नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरमेंट House buildings, shops, roads, bridges, hospitals, dams, industries, schools, etc., are man made or human made. Men create the uh, cultural environment to lead a better life.

एनवायरमेंट द ओवर एक्सप्लाड अब ये क्या कर रहा है क्योंकि हमारी बॉन्ड्स बढ़ती जा रही हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि नेचर को ओवर एक्सप्लॉयटेड बहुत ज्यादा उसका शोषण कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ही ओवर एक्सप्लॉयटेड नेचर टू द टू टी इज ग्रेट प्रोग्रेस ऑफ progress of science and technolo technology equipped him with uh, sophisticated tools to uh, exploit the tap nature. now, na? uh, he altered the ecosystem often without realizing and consequences of his actions. he cleared vast areas of forest to acquire land for agriculture industries and residential purpose. He wiped off many spices of plants and animals by disrupting their habitats. Overpopulation has strained the natural resources of our environment, modern man has populated and destroyed the natural environment with the industrial revolution, exploitation, took a new dimensions gradually even uh, part of the earth including global climate was affected then a section of mankind realized that for survival on earth we have to take care of uh, our environment as a result the environment re re revolution came up through proper planning destruction of our environment sorry थ्रू प्रॉपर प्लानिंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आर एन्वायरमेंट मतलब हमें क्या पूरी प्लानिंग के साथ जो एन्वायरमेंट तेजी से खत्म होता जा रहा है ना तो उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी इट इज़ वाइज टू रिमेंबर दैट वी नीड द अर्थ मच मोर देन द अर्थ नीड अस ओके तो ये हमारा इसी के साथ चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो रहा है नेक्स्ट uh, वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे